नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दी बड़ी सौगात, 3 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव तारीखों की घोषणा, 4 चरणों में होगा मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। भाजपा का नगर निगम चुनाव में बागियों के खिलाफ कपड़ा एक्शन, पार्टी ने किया 6 साल के लिए निष्कासित। दुर्गाष्टमी पर घर घर में हुई मां दुर्गा की पूजा, घरों में कन्या और बटुकों ने किया पूजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उन्होंने अहमदाबाद में एन मेहता पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, किसान सूर्योदय योजना और गिरनार पर्वत पर एशिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया। गिरनार में ये रोपवे श्रद्धालुओं व पर्यटकों को 2.3 किलोमीटर की दूरी केवल 7.5 मिनट में तय हो जाएगी। वहीं राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना के जरिए 2023 तक पारेषण अवसंचरण स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस शासित प्रदेशों में बढ़ रही महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में हुई घटनाओं पर भी बोलना चाहिए, न कि हाथरस और अन्य जगहों पर जाकर फोटो सेशन करवाना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पंजाब के होशियारपुर के टांडा गाँव में 6 साल की दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना बेहद चौंकाने वाली है। राजनीतिक दौरों के जाने की बजाय राहुल गांधी को टांडा और राजस्थान का दौरा करना चाहिए और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं पर संज्ञान लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उदयपुर एक समारोह में शिरकत करने आए। यहां पर मंत्री ने ग्रामीणों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सरगुजा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने ग्रामीणों को कहा कि सरकार ने जो भी वादे किए हैं उनको जल्दी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीणों को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उनके नंबर पर फोन कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। ये चुनाव 4 चरणों में होंगे। चुनावों की अधिसूचना 4 नवंबर को जारी की जाएगी। चारों चरणों के लिए 4 से 9 नवंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 10 नवंबर को होगी और नाम वापसी 11 नवंबर दोपहर 3 बजे तक हो सकेगी। मतगणना 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। जिला प्रमुख व प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर और उप जिला प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव 11 दिसंबर को होगा। ये संपूर्ण चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने आज बीजेपी मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मदन दिलावर ने कहा कि निकाय चुनावों में पार्टी ने बगावत करने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने ऐसे 29 लोगों को निष्कासित कर दिया है। वहीं बीकानेर की घटना को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा है। महामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीकानेर पिछले कुछ दिनों से अपराध का अड्डा बन चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के चलते पाठ्यक्रमों में बदलाव किया है। कक्षा 9 से 12वीं तक 40% सिलेबस को कम किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। गौरतलब है कि CBSE ने अपने सिलेबस में 30% की कमी की थी। अगली खबर जयपुर के SMS अस्पताल से है। दरअसल जयपुर के SMS अस्पताल में एक नई निःशुल्क दवा वितरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। SMS प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी व अधीक्षक राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण का उद्घाटन किया। ये निशुल्क दवा वितरण केंद्र महावीर विकलांग केंद्र के पास शुरू किया गया है। निशुल्क दवा वितरण योजना के तहत अब तक 28 दवा वितरण केंद्र हो चुके हैं। दौसा शहर के कोतवाली क्षेत्र में बारात की बस पलट गई। बस पलटने से एक महिला की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृत महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। जानकारी के अनुसार सभी लोग एक निजी बस से जा रहे थे। इस दौरान सिविल लाइन्स के पास गाय को बचाने के चक्कर में निजी बस पलट गई, जिसमें करीब 19 लोग घायल हो गए। इनमें से एक महिला सना खान ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि बस में सवार सभी लोग दौसा शहर के हैं, जो एक शादी समारोह में जाकर गाजियाबाद से अपने घर लौट रहे थे। बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। बस एक्सीडेंट हुआ है सिराव कॉलोनी के पास में, तो उसमें 15 इंजर्ड पेशेंट आए हमारे यहाँ, तो ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है। अभी उनका एक्सरे वगैरह कराया जा रहा है। ट्रीटमेंट कैजुअलिटी वगैरह कुछ नहीं, कैजुअलिटी एक
दौसा के रहने वाले थे, गाजियाबाद में शादी करके एक ही परिवार के उनके रिश्तेदार थे, शादी करके वापस आ रहे थे। श्रीराम होटल बाईपास दौसा के अंदर ये बस है, वो गाय बचाने के चक्कर में ये पलटी खा गई, जिसके अंदर इंजर्ड हुए हैं। मौके से इंजर्डों को यहाँ हॉस्पिटल लेकर के आए हैं, एक की कैजुअल्टी हुई है, 15 इंजर्ड अभी तक आए हैं। उसके साथ कुछ लोग अपने यहाँ के लोकल थे, तो कुछ जिनके कम चोटें लगी वो अपने घर ले गए। कुछ हो सकता है कि और उसमें से लेकर के आओ इलाज के लिए, उसकी नफरी बढ़ सकती है। लगभग 2 दिन घायल है अभी, लगभग 15 आदमी तो नामजद हो गए हैं जिनका की इंजर्डी होकर के इलाज चल रहा है, एक लेडी की कैजुअल्टी हुई। जयपुर के त्रिवेणी नगर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जब आधी रात को एक लड़की ने कॉलोनी में जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। युवती के हंगामे की सूचना पर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और उन्हें देख युवती भागने लगी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर उस मकान को खुलवाने की कोशिश की गई, जिसके बाहर युवती हंगामा कर रही थी। हंगामा करने वाली युवती बार बार अपने बयान बदल रही थी। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर विधायक अशोक लाहौटी भी पहुंचे। त्रिवेणी नगर में कल रात हुई घटना बहुत ही निंदनीय है। कॉलोनी वालों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, परंतु पुलिस ने आकर के कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। आरोपियों को तुरंत छोड़ दिया गया। इस तरह से जो बच्चों को किराए पर मकान मालिक कमरा दे देते हैं बिना आईडी वगैरह लिए, और अभी तो वर्चुअल क्लासेस भी नहीं है, तो इस तरह के बच्चों को कमरा देने से पहले सोचना चाहिए और पुलिस जो है प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कॉलोनी ने अपने स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चौकीदार की व्यवस्था की गई है। समिति वालों ने विरोध किया, कॉलोनी जो है पुलिस प्रशासन के पास गई, लेकिन कोई प्रकार की मदद नहीं मिली। अब अगर हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं और पुलिस हमारी कोई तरह की मदद नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएं। कल रात्रि में त्रिवेणी नगर में जो घटना हुई है 1:30-2 बजे बाद में, तो उसके अंदर 3 लड़के और 2 लड़कियां संदिग्ध अवस्था में पाए गए। एक लड़की ऐसी चिल्लाती हुई आई और इससे पूरे कॉलोनी के अंदर ऐसा माहौल गंदा कर दिया, चिल्लाती हुई गाली गलौज कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो पूरी कॉलोनी जग गई और इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया उसने कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया उसने। हमने पुलिस प्रशासन को कॉल किया, वो आए और आने के बाद में कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन एक्शन लेवे, सर्वे करे, घर घर मकान में इतने किराएदार रह रहे हैं यहाँ पे, इनका कोई सर्वे नहीं हो रहा। आज दुर्गा अष्टमी है, आज घर घर में कन्याओं की पूजा अर्चना हुई और उन्हें भोजन कराया गया। देश प्रदेश सहित छोटी काशी जयपुर में भी महाअष्टमी पर जगह जगह शक्ति के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर भक्तों को दर्शन का मौका दिया जा रहा है। अष्टमी का पूजन करने के बाद घरों में कन्या और बटुकों को भोजन कराकर कन्या पूजन किया गया। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व रविवार को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। सदियों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा के तहत आयोजित होने वाले मेले एवं बड़े आयोजनों पर इस बार वैश्विक महामारी कोरोना का ग्रहण लग गया है। कोरोना के चलते राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, कोटा तथा अन्य शहरों में इस अवसर पर रावण दहन नहीं होगा। वहीं कोरोना की वजह से कोटा में आयोजित होने वाला 127वां राष्ट्रीय दशहरा मेला भी निरस्त हो गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।